नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट वन और पार्ट टू बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, आप उसे जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको CGPAT से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन बाकी था तो दोस्तों उसे इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपको CGPAT का कंप्लीट कोर्स चाहिए आपके मोबाइल में PDF में, तो दोस्तों इस कोरोना काल में आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि घर बैठ कर ही आप स्टडी करें। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो किस टाइप का है, किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है 90 नंबर से करने वाले हैं, बाकी का जो है वो हो चुका है आगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है, तो दोस्तों कौन से इसमें से दुधारू पशुओं की नस्ल है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दुधारू नस्ल पशु जो है वो साहिवाल है दोस्तों। बाकी जो हरियाणा नागौरी मेवाती या जो भारे बोझ ढोने वाले है, बाकी ये दुधारू नहीं है। बोझा ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साहिवाल का जो है वो दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है, तो ये किस लिए उपयुक्त है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जालौर के क्षेत्र में। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की पशु दुग्ध क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2,000 से 2,500 लीटर। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। 93 नंबर क्वेश्चन, गाय के गर्मी में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान है तो उपयुक्त समय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दो, 12 से 48 घंटों में गाय को कृत्रिम गर्भाधान करा देना चाहिए गर्मी आने के साथ ही। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वीर संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, जो कि ठंडा गैस होता है जो कि वीरों को अच्छा रखता है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचारित होता है। तो 95 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रुसिलोसिस। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइलेज निर्माण विधि है, साइलेज निर्माण विधि कौन सी है। तो दोस्तों साइलेज जो है हरे चारे का हरी अवस्था का परीक्षण करके बनाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हे मेकिंग एक विधि है, तो हे मेकिंग क्या चीज़ है। तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर है चारे के परीक्षण करके है बनाया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाइका रोग होता है, तो पाइका रोग किससे होता है। तो दोस्तों ये 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो का, खनिज की कमी से पाइका रोग होता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसिटोपोरोसिस रोग का संबंध है, तो इसका क्या चीज़ का संबंध है, किस चीज़ का। तो ये कैल्शियम से इसका संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रास टिटेनी रोग का कारक है, तो ये 100 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर है मैंगनीज की कमी। दोस्तों इस वीडियो में सारे का सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इससे भी स्टडी कर सकते हैं या हमारे PDF से भी स्टडी कर सकते हैं। मूँगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है, तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रोटीन का। 102 नंबर क्वेश्चन, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 102 का हो जाएगा यूरिया के उपचार द्वारा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोमांथी पशुओं में आमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है, तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोमेन कहलाता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के संतुलित आहार में होता है, तो भैंस के संतुलित आहार में आपका 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2/3 भाग रफेज होता है और 1/3 भाग वाटा होता है। 105 नंबर, अगर दोस्तों आपका ये रफेज और वाटा क्या है, किस टाइप का है, तो दोस्तों इसके लिए आपको PDF लेना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। हमारा CGPAT का हैंड टाइपिंग बुक अवेलेबल है, आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बुक प्रोवाइड कराएँगे। PDF चार्ज जो है कुछ लगने वाले हैं, तो PDF चार्ज आप कितना लगेगा ये आपको व्हाट्सएप में बता जाएगा, समथिंग 100 से कुछ कम या 100 इस टाइप का चार्ज लगते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलोजा होता है, अलोजा क्या होता है। दोस्तों ये एक 105 का राइट आंसर है, एक शैवाल होता है जो धान के खेत में बहुत ज़्यादा होता है।
106 का जो राइट है, 106 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है? तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नागौरी। इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति और श्रम के लिए यह प्रसिद्ध नस्ल है। 107 क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के औसतन गर्भावस्था समय होता है? तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, 307 दिन। ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। 108 क्वेश्चन देखते हैं, अंत स्रावित ग्रंथियों क्या पैदा करती है? तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हार्मोन्स। 109 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी संबंधित है? तो 109 का जो राइट आंसर होगा विटामिन ए। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी किससे संबंधित है? तो 110 का जो राइट आंसर है वो विटामिन सी से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बछड़े बछड़ियों के सिंग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 101 का ऑप्शन दो, कास्टिक सोडा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो 112 का जो राइट आंसर है वो गुजरात, ऑप्शन दो। 113 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जिसे ICR भी कहा जाता है दोस्तों। 114 ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, गोवंश का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन, सर्रा किस पशु की बीमारी है? तो सर्रा जो एक बीमारी है वो है दोस्तों ऊंट की एक बीमारी है। 116 केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? दोस्तों केचुए की खाद जो है वो किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो दोस्तों ये एक केचुए की सहायता से ही बनाई जाती है केचुआ का खाद। 117 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में चिचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकते हैं? तो 117 का जो राइट आंसर है वो मेलाथियोन है। 118 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये भारत देश जो हमारा देश है वो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। 118 का राइट आंसर 4 है। 119 देखते हैं, निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित है? किसकी कमी प्रजनन से संबंधित है? तो 119 का जो राइट आंसर है वो विटामिन ई सबसे ज़्यादा प्रजनन से संबंधित है, गाय में मनुष्य में भी। 120 इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन, सिरोही किस पशु की नस्ल है? दोस्तों ये कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिरोही जो आपको पता होना चाहिए एक बकरे की नस्ल है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन CGPAT में अधिकतर पूछा जाता है। CGPAT MPPAT जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। दोस्तों अगर आपको CGPAT का कम्प्लीट कोर्स, MPPAT का कम्प्लीट कोर्स, ICAR, ZBHU किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम किसी भी स्टेट का अगर कम्प्लीट कोर्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।